झुंझुनू के विद्यार्थी भवन में आज मंडावा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें मंडावा की पूर्व विधायक रीटा चौधरी ने इस बैठक को संबोधित किया। बैठक में रीटा चौधरी ने साफ किया कि कांग्रेस कार्यकर्ता किसी भी उपचुनाव के चक्कर में ना पड़े, वे यह गलत फहमी न पाले कि यदि मंडावा विधायक नरेंद्र कुमार लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे तो मंडावा की सीट खाली होगी और उपचुनाव होंगे तो रीटा चौधरी को फिर से विधायक बनाया दिया जाएगा, क्योंकि श्रवण कुमार को कांग्रेस ने मंडावा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के दम पर ही टिकट दिया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि विधानसभा चुनाव से ज़्यादा वोट हमें श्रवण कुमार को दिलाकर दिल्ली में भेजना है। साथ ही यह भी तय है कि यदि श्रवण कुमार सांसद बनते हैं तो मंडावा विधानसभा के सांसद और MLA दोनों हम ही होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला नरेंद्र कुमार से था और है, हमें इन चुनाव में मंडावा विधानसभा से नरेंद्र कुमार को हराकर भेजना है। यही संकल्प सभी को लेना होगा और कांग्रेस के मतदाताओं तक पहुंचाना होगा। केवल और केवल मंडावा विधानसभा के कार्यकर्ताओं की वजह से श्रवण कुमार को टिकट मिला। जोर करना पड़ेगा क्योंकि जो गांव में हमारे आम कार्यकर्ता हैं, जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनकी ये भावना है कि नरेंद्र MP बने और कांग्रेस के सीट खाली और उपचुनाव और हम रीटा को MLA बना के देते हैं। पर साथियों, ये गलती आप लोग मत करना। आप सब लोग बहुत मोजीज आदमी हो, पंचायत के गांव के बहुत नज़दीकी आदमी हो। आप लोगों को मैंने इसलिए बुलाया है कि हमें हमारे कार्यकर्ता जो गांव में बैठे हैं, हमारे समर्थक है, हमारी जनता है, उन तक ये संदेश आप पहुँचाओगे, क्योंकि उनमें गलत फहमी पैदा हो रही है। अगर हम लोग, मेरे को मिले 78,000 वोट मंडावा से, हमें एक भी वोट इससे कम लोकसभा के अंदर नहीं डालना। आप लोग चाहते हो कि मंडावा के अंदर कांग्रेस का अस्तित्व बना रहे, आप लोग चाहते हो कि रामनायक चौधरी जी का नाम चलता रहे मंडावा के अंदर, तो मेरे साथी उसमें आप लोगों को मेरी मदद करनी। MLA 5 साल बाद बन जाएंगे, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ और आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। उपचुनाव के चक्कर में मत पड़ना, हम लोगों को कांग्रेस का उम्मीदवार जिताना है। 5 साल बाद हम MLA बनेंगे, हमारी फिर सरकार बनेगी, काम बहुत होंगे आप लोगों के। और श्रवण कुमार जी अगर झुंझुनू से MP बन जाएंगे तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, मंडावा का MP और MLA अपन ही। हम लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष करा है नरेंद्र कुमार जी के सामने, पहले वो निर्दलीय जीते और फिर BJP से टिकट लाकर जीत गए हैं। हमारी लड़ाई नरेंद्र कुमार के साथ है, तो हमें इस चुनाव के अंदर मंडावा से उनको हरा के भेजना है। उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई कि रीटा और रीटा के कार्यकर्ता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, मुझे जीता के MP बना देंगे और वो उपचुनाव करवाएंगे। हम लोगों को ये बताना है कि हम कांग्रेस पार्टी की लाइन से हटकर कोई काम नहीं करेंगे। हम लोगों में जब तक ताकत है हम लोग दिखाएंगे कि 78,000 वोट आए थे, अब हम 80,000 से ज़्यादा वोट दिला सकते हैं। जहाँ आपको लगे कि मेरे साथियों आपके बगैर कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग सब मुस्तैदी से आज ही से इस बात में लग जाएं। और कुछ लोगों में गलत फहमी है, ये भावना है कि उपचुनाव होने दो, रीटा को MLA बनाएंगे। मुझे MLA नहीं बनना है सब, मैं नहीं चाहती कि उपचुनाव हो, मैं चाहती हूँ कि श्रवण कुमार चुनाव जीते, MP बने, दिल्ली के अंदर हमारे झुंझुनू का प्रतिनिधित्व करें, हम लोगों की लड़ाई वो दिल्ली के अंदर लड़े।